आप रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए हाँ एक कुरान पाक की एक मुबारक आयत से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान के अंदर कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो अल्लाह की खशियत से अल्लाह के खौफ से व तिलकल नदरू और ये हम मिसालें बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि वह समझ जाए ताकि वह गौर वफ़िक करें तदबर करे। यानी इस कुरान की क्या आवाज आ रही है yes, जी। तो इस कुरान की क्या अजमत है क्या कुरान पहाड़ों पे नाजिल कर लेते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते पहाड़ टूट जाते तो इंसान को गौर करना चाहिए कि हमें अल्लाह की तरफ से जो अजीम किताब दी गई है किताब दी गई है बाबर का किताब दी गई है इसकी क्या शान है कि पहाड़ जो इतना होता है, वो भी टूट जाता है लेकिन इंसान का दिल फिर भी नरम नहीं हो रहा इंसान के दिल को क्या है कि ये फिर भी नसीहत नहीं लेता अल्लाह हमें इस बात की तोफीक अदा फरमाए कि हम भी इस कुरान से नसीहत हासिल कर लें तो प्यारे प्यारे मिठे मीठे सभी भाइयों और बहनों नसीहत हासिल तभी हो सकती है जब हम इस कुरान को समझें हम इस कुरान को समझेंगे कब जब हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी यानी जब हम अरबी समझना सीख जाएंगे तभी हम इस कुरान की लैंग्वेज को सीखेंगे तभी हम इस कुरान की मैसेज को सीखेंगे अल्लाह ताला हमें ज़्यादा कहने और ज़्यादा सुनने इससे ज़्यादा अमल करने की तोफीक अदा फरमाए आमीन आलमीन तो चलिए आज हम शुरू कर देते हैं जो हमारी जो पहली क्लासेस हो चुकी थी जिनमें आप किसी तरह से भी आपको लीव करना पड़ा बीच में ही और रीज़न रहा हो कि आप लोग ना कर पाए ज्वाइन, तो आज आप लोगों के लिए हम रिवीजन क्लास लेते हैं उन पहली पांच क्लासेस का जो हमने इससे पहले दी है तो सबसे पहले मैं कुछ इब्तदाई बातें करना करने जाऊंगा जो हमें पूरे अरबी कोर्स में याद रखना पड़ेगा आप लोगों ने देखा होगा अरबी में न किसी जगह पर ऐसे निशान होता है किसी भी अल्फाबेट पर किसी हर पे जिसको आप जबर कहते हैं और हम पूरे कोर्स में इस चीज को फतहा के नाम से पुकारेंगे यानी जबर को अरबी में हा। जबर को फतहा कहते हैं ठीक है जी जबर को फतहा लिख पी ले ठीक है जी

और जिस हर पे जबर होगी उसको कहते हैं मान लीजिए अगर ये बा है इस बा पे जबर है बा पे फतहा है तो हम कहेंगे ये चीज क्या है जी ये फतहा है इसको हम फतहा कहेंगे को और इस जब जब इस बा पे जबर होगी उस टाइम हम इस बा को मफतूह कहेंगे यानी जिस हर मफतूह कहते हैं जबर को फतहा और जबर वाले हरफ को मफतूह कहते हैं ठीक है जी इतना समझ आ गया होगा तो दूसरी बात हम जो आपने दूसरा निशान कुछ ऐसे देखा होगा जो नीचे होता है इसको हम उर्दू में और फारसी में जेर कहते हैं और अरबी में इस चीज को हम कसरा कहते हैं कसरा ठीक है जी कसरा तो जेर को कसरा कहते हैं आप याद रख लीजिएगा इस जेर को ना इसको कसरा कहते हैं इस चीज को कसरा कहते हैं ठीक है जी और जिस हरफ अगर ये नून जेर ने हम ऐसे पढ़ते ना तो ये हो गया जेर हो गई कसरा और ये नून जिस टाइम इस नून पे किसी भी हरफ पे जिस टाइम जेर होगी कसरा होगी उसको हम कहेंगे मकसूर यानी जेर को कसरा और कसरा वाले हरफ को जिस हड़फ पे कसरा आ, जिस हर पे जेरूर कहते हैं ठीक है जी मैंने दो बातें बोली ज़बर को फतेह और ज़बर वाले हरफ को मफतूह कहते हैं और जेर को कसरा और जेर वाले हरब को मकसूर कहते हैं अब चलिए आई तीसरी बात कर लेते हैं और एक चीज ऐसा होता है इसको बोलते हैं हम पेश उर्दू में और फारसी में पेश इसको बोलते हैं लेकिन अरबी में इसको दम्मा कहते हैं दम्मा कहते हैं जिस हर पे दमह आए जिस हरफ पे, पे पेश आए उसको मदमूम कहीं जैसे लाम पे अभी लाम क्या है जी मदमूम है लाम क्यों मदमूम है क्योंकि लाम पे दम्मा आया है लाम दम्मा आया है इसलिए हम लाम को मदमूम कहेंगे इतना समझ आया किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पुट ऑन योर माइक आ, सर फिर जर और नसब किसको बोलते हैं मैं और नसब की बात आगे करूंगा वो जर और नसब असल में हरकत नहीं होते जर और नसब एराब होते हैं हम एराब की बात कर लेंगे आगे पूरी अगर आप लोग देखिए ना अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि ये नसब ज़बर को कहेंगे और जो है रफा पेश को कहेंगे ऐसा नहीं होता ये हरकत होते हैं इराब कुछ और होता है असल में इराब की डेफिनेशन के इराब मा बहिल जर औसबर एराब उसको कहते हैं जिसकी वजह से जर आए या नसब आए या रफा आए हम जब एराब को पढ़ लेंगे ना मैं उस टाइम इसी तरह क्लियर कर लूंगा कि एराब और हरकत में क्या डिफरेंस है ठीक है जी अभी हम हरकत की बात कर रहे हैं ये अभी जर और नसब नहीं है ठीक है जी? जी जी तो और जबर जेर और पेश हरकत कहती है अरबी में जबर कसरा और दमा को हम हरकत हमारे पास है तीन वोवेल्स हैं हमारे पास जिनकी वजह से आवाज आती है ठीक e, है जी इंग्लिश में जैसे ए, यू, इनकी वजह से आवाजें आती हैं और यहाँ अरबी में होती है ठीक तो जिस हरफ पे हरकत होगी उसको मुतहरिक कहेंगे मुतहरिक जिस हरफ पे हरकत इन दिनों में से कोई भी हरकत होगी पेश होगी हम कहेंगे इससे हरकत है ने, ठीक है जी तो उसके बाद हमने आ, पढ़ा था तशदीद एक ऐसे ऐसे सिंबल को हम तशदीद कहते हैं तशदीद का क्या काम होता है इसका क्या मतलब होता है देख लीजिए आप अगर मुझे ऐसे लिखना होगा जबर आ इस बाप पे ये जज्म है यानी इस चीज को हम साकिन कहते हैं ठीक है अभी मैं साकिन की बात भी कर लूंगा फ है तो ये क्या हुआ अब्बा अब्बा दो बार लिखा है अब मैं अपनी राइटिंग में दो बार ना लिख के कुछ इस तरह से लिख लेता हूं बा, इस बा पे मैंने जो ये निशान डाला ना ये डब्लू जैसा इसका मतलब यह है कि बा को दो बार पढ़ा जाएगा बा पे एक बार सुकून है ये हरकत क्या कौन सी हरकत है यहाँ पे भी फता है अब्बा ऐसी अगर होगा ये जैसे इन इन सपोज इसका मतलब क्या हुआ होगा बार पढ़ा जाएगा दैट एक बार नून पे सुकून है यानी जज्म है और एक बार नून पे कसरा है ठीक है इस तरह से इन तो इस चीज को हम तशदीद कहेंगे शिद्दत बढ़ती है स्ट्रेस बढ़ती है जिस चीज पे जिस चीज पे इस हर्फ पे तशदीद आएगी उसको हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे पढ़ने के टाइम ठीक है जी और जिस हर पे तशदीद होगी इसको हम तशदीद में लिख लेता हूँ आपके लिए तशदीद जी, और जिस हर पे तशदीद होगी ना उसको हम मुद कहेंगे उसको हम मुश्द कहेंगे मुश्द उसको हम मुश्द कहेंगे सर आप क्यों बता रहे हैं क्योंकि हमें आगे ये टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे जबर जर की बात नहीं करूंगा मैं कहूँगा फता है ये मफतू है ये मकसूर है मतलब हमें है, पता होना चाहिए ठीक है जी ये मुशद होता है जिस हड़फ पे तश्द आए उसको हम मुश्द कहते हैं अगली बात हम सुकून की कर देते हैं एक ऐसा आपने दाल जैसा देखा होगा उल्टा सी देखा होगा उसको हम सुकून कहते हैं सुकून सुकून मतलब खामोशी कहते हैं ना अभी मुझे सुकून मिला मिला, खामोशी मिला हरकत नहीं है सुकून है तो जिस हर पे सुकून जिस हर पे सुकून आए उसको हम साकिन कहेंगे वो खामोश है साकिन है वो साकिन ये चीज़ें बाहर आप लोगों ने पढ़ी होगी इससे पहले भी मैं जूम कर लेता तो हूँ आपने पढ़ा है फिर भी अगर आप लोगों को ये पता नहीं किया आज तक तो इन शह आज के बाद आप लोग इसको जान जाएंगे इस चीज़ को हम सुकून अब इसकी आवाज़ कैसी होती है सुकून का क्या काम होता है देखिए है आ, बा, बा, बा अब अगर मैं हटा के बा पे ये सुकून डालता हूं तो ये बनेगा अब अब अम ऐसे आवाज रुक जाती है यहाँ पे अम हम इसको अपने जो प्रसिडिंग होता है जिससे पहले वाला हर्फ है उसके साथ मिला लेते हैं ठीक है ठीके? अम तो यहाँ पे मीम साकिन है बा साकिन है बा पे क्या है सुकून है यहाँ पे हमजा पे क्या है ठीक है जी और हमजा क्या है मफतू है साकिन है तो ये बातें हमने करी थी पहली क्लास में और कुछ आप लोग कुछ वर्ड्स याद रख लीजिए हम अरबी में न किताबुन कहते हैं बुक को हम किताबन किताब किताब मतलब किताब और पेन को हम पेन को हम कलमन कहेंगे पेन को हम कलमन कहेंगे ठीक है जी आप लोग लिख लीजिएगा इस साथ साथ पेज को वाराकुन कहेंगे पेज को हम वाराकुन कहेंगे वराकुन ठीक है जी पेज को हम अरबी में वराकुन कहते पेज को हम अरबी में वराकुन कहते हैं ऐसी और क्लासरूम में क्या होता है चेयर होती है चेयर को हम कुर्सियन कहेंगे कुर्सी ना किताब उनको किताब जैसे किताब को हम किताब उन कहते हैं कलम को कलम उन कहते हैं ये तो हम उर्दू में भी यूज करते हैं ऐसे और कुर्सी को और टेबल को हम मकतब उन कहेंगे टेबल इसको कहते मकतब उन मकतब उन को हम मकतब उन कहेंगे जूम पे अच्छी तरह लिखा नहीं जाता तो आप लोग तो मेरी हैंड से भी कंप्रोमाइज कीजिएगा ठीक है जी इस पर अच्छी तरह लिखा नहीं जाता फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छे अच्छे से लिखूँ तो फिंगर से लिखना पड़ता है जो मेरा पेन है ना लिखने वाला वो कुछ खराब हो गया है इसलिए मैं फिंगर से भी लिख रहा हूँ मकतबन ठीक है जी तो ये हमने बात करी थी आइए अब मान लीजिए जब आप ये तो इब्तदाई बातें थी जबर फतहा वगैरह कसरा ये हमने सीख ली अब देखिए अब हम अरबी ग्रामर की तरफ आते हैं जब हम अरबी ग्रामर की बात करें तो ग्रामर क्या होता है ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस Uh, जो हमें एनेबल करता है इस काम के लिए कि हम अच्छी तरह से बोले हम लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझें बोले uh, इसे बोले हम लैंग्वेज को ठीक है जी तो उस उन रूल्स uh, को हम ग्रामर कह देते हैं। अब ग्रामर में हम किस चीज से बात करेंगे भी हम बात करते हैं जो भी हमारे मुंह से जो बात निकलती है उसको हम लफ्ज कहेंगे यू स्पीक इट्स ठीक है जी लफ्स

ठीक है जी अब ये लफ्ज जो हम कहेंगे ना ये दो तरह का हो सकता ठीक है जी या तो ये मीनिंगफुल हो सकता है या ये मीनिंगफुल हो सकता है या फिर ये मीनिंगलेस हो सकता है लेस हो सकता है या इसकी कोई मीनिंग होगी या फिर इसकी मीनिंग नहीं होगी इंसान अक्सर बातें करता है ना बेमाना बातें करता है फजूल बातें कर लेता है फजूल बाय वेट नहीं फजूल बाय ग्रामर बेमाना विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर मान लीजिए मैं ऐसे बात करूँ मैं आपसे आपने चाय शाय पी ली आओ चाय पी लो चाय पी लो तो चाय तो है एक आ, meaningful word, लेकिन ये क्या है वाई कुछ भी नहीं है शाय क्या है meaningless है ना रोटी वोटी खा ली रोटी का कुछ मीनिंग तो है लेकिन इस मारे मीनिंग नहीं है पानी वानी पी लो ऐसे पानी क्या है पानी मीनिंगफुल है और वानी क्या है इट्स मीनिंगलेस ऐसी अरबी में अगर मैं कहूं जायदुन किसी बंदे का नाम है इसकी कोई मीनिंग होगी अब मैं कहूँ दाइजुन दाइजुन क्या है दाइजुन क्या है जी दाइजुन तो मैंने इस का उल्टा बना दिया ये मीनिंगलेस है ठीक है जी तो लफ्ज दो तरह के हो सकते हैं या होंगे या फिर मीनिंगलेस होंगे अगर ये मीनिंगफुल है तो इन्हें हम कलिमा कहेंगे इन्हें हम कलिमा कहेंगे मैं आप मैंने कहा लफ्स दो तरह का हो सकता है अगर ये मीनिंगफुल अगर ये हो तो फिर इसको हम मोहम्मल कहेंगे या मोहम्मल कहेंगे मोहम्मल कहेंगे ठीक है जी अगर ये मीनिंगफुल हुआ तो कलिमा कहेंगे तो इसको मोहम्मल ये मीनिंगफुल होता है और ये मीनिंगलेस होता है ठीक है जी मोहम्मल मीनिंगलेस होता है और क्लेमा मीनिंगफुल होता है क्लेमा की कोई मीनिंग होगी जैसे ए, मैंने भी कहा कलम कलम क्या है यह मीनिंगफुल है और वलमुन क्या है वलमुन मीनिंगलेस ठीक है जी तो वलम महमल हो गया और कलम कलिमा हो गया अभी आप पेशेंस रखिएगा अभी इब्तदाई बात हो रही है अभी आप लोग अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे जो आप लोगों ने अभी तक तो सुनी भी नहीं होंगी अभी कुछ मिनट्स के बाद ठीक है जी तो अब चूंकि ये मोहम्मल जो है ना ये मीनिंगस है हम ग्रामर के साथ तो हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाएंगे ना इसलिए हम मीनिंगलेस वर्ड इसको क्यों अपने ग्रामर में ऐड करेंगे क्यों अपनी लैंग्वेज में ऐड करेंगे दैट मींस वी हैव टू डू नथिंग विद दिस मोहम्मल हम महमल की बात नहीं करने वाले कहीं रूल्स रेगुलेशन और मीनिंगफुल बातों की होगी ना इसलिए हम सारी बातें क्लेरमा की करेंगे ठीक है जी किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी को कोई कंफ्यूजन है नो सर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं माशाल्लाह मैं आगे चलूं यस सर ओके तो देख लीजिए अब हम बात कर लेते हैं इस कलिमा की ठीक है जी मैं जो भी हम मुंह से बोलते उसको लफ्ज कहते हैं उसको हम लफ्ज कहते हैं ठीक है जी जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं अब जो मीनिंगफुल लफ्ज है ठीक है जी दैट मीन जो हमारी मीनिंगफुल स्पीच है ना उसको हम कलिमा कहेंगे मीनिंगफुल स्पीच इज नोन एज कलिमा ठीक है जी अब हमारी स्पीच में क्या क्या हो सकता है क्या क्या

इस मीनिंगफुल स्पीच के पार्ट्स पढ़ लेंगे इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं फिर हम उनकी मदद से अपना एक सेंटेंस बना लेंगे तो हमारे पास अरबी में भी इस मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल मीनिंगफुल स्पीच के वर्ड मीनिंगफुल लफ्ज के तीन है। पार्ट्स हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ओनली थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ठीक है जी एक को हम कहेंगे इसम दूसरे को कहेंगे फेल तीसरे को कहेंगे हम हर्फ ठीक है जी इस फेल और हर्फ आप लोगों में से कोई एक मुझे बता सकता है इसमें हम किसको कहते हैं कोई भी एक, जिसको जो भी पुराने जमाने की बात जो भी आप लोगों ने याद होगी वो आप ये बोले इसमें हम किसको कहेंगे फेल किसको कहेंगे हर्फ किसको कहेंगे कोई एक भाई या बहन अपनी माइक अनम्यूट करके बोल बोले हाँ जी किसी को पता है इसमें वगैरह या 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 का नाम को जाहिर करे। आशा इसको हम इस्म कहते हैं ना इसको हम हैं तो किसी ये। जी किसी का भी नाम हो उसको हम कहेंगे है।, है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें अरबी में ना थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थोड़ी एडवांस होती है थोड़ी सी कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं आपका नाम क्या है बेटा जिसने अभी ये बोला था आपका नाम क्या है सर उनुषा अबीर उनुषा अबीर माशाल्लाह अब मुझे आप बोलिए उनुषा उनुषा वर्ल्ड में कोई कंडीशन है किसी जमाने के साथ सर नहीं नहीं है बात नहीं है तो अगर मैं कहूँ पानी हम क्या पी, करना है पीना है yes मैं पी लो. पीने में इस पी लो में वर्ड पी लो में टाइम के साथ कोई कनेक्शन है यस yes सर yes मैं कहूं मैंने पानी पिया काम क्या किया मैंने पिया इस पिया में, में कोई टाइम के साथ कनेक्शन है कि नहीं है पास yes. जी तो काम करने को हम फेल कहते थे ना उर्दू में yes, sir. काम करने को हम फेल कहते थे जिसमें काम का करना होना या सहना पाया जाए हमने उर्दू में फेल कहते थे, थे ना आपने देखा कि इसमें कोई टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है जबकि फेल में टाइम के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है या तो हमारा प्रेजेंट में हो चुका हो रहा होगा पास में हो चुका होगा या फ्यूचर में होने वाला होगा फेल और हर्फ क्या होता है एक आ, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन लेकिन इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं है टाइम के साथ फर्क नहीं है टाइम के साथ फर्क क्या है इन दोनों में फर्क यह है इसमें जैसे मेरा नाम है आरिफ मैं अपना नाम लिख लेता हूँ आरिफ आरिफुन मीन पहचानने वाला ठीक है जी मारिफत वाला पहचानने वाला तो आरिफुन में टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है दूसरी बात यह मीनिंग आरिफ वर्ड खुद बताता है कि मेरा मतलब है पहचानने वाला पहचानने वाला जिसको मारिफत हासिल हो उसको आरिफ कहते हैं ऐसे अगर मैं कहूं खाओ खाओ को उर्दू में अरबी में कहेंगे कुल कुल cool. खा लो फ्यूचर में खाओ देखिए आरिफ में क्या चीज है कोई टाइम नहीं है नो no टाइम लेकिन मीनिंग दे रहा हो और इस कुल में कहने, खाओ में क्या है टाइम के साथ कनेक्शन है प्लस अपनी मीनिंग खुद बता रहा है इसका मतलब क्या होता है खाना तो माना समझ खुद ही आ रहा है ये अभी ये किसी इसम के साथ या दूसरे खेल के साथ नहीं मिला इसने अपना माना खुद ही समझाया हमें इसमें ने भी और फेल ने भी लेकिन हर्फ क्या होता है होता है जैसे मैं पर मीनिंग आपको समझ आती है जब तक ये वर्ड्स वो, जब तक ये हरूफ किसी इसम या फेल के साथ ना मिले तब तक इनकी मीनिंग क्लियर नहीं होती अगर आप तक कहेंगे ना तक 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 तक, 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 तक। तब भी ये तक तक सेंटेंस हमें समझ आएगा ही नहीं क्योंकि तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा ही नहीं ठीक है जी इनकी मीनिंग होती है लेकिन मीनिंग तो जब ये एक सेंटेंस में किसी इस्म या फेल के साथ मिले जैसे मैं लिखूं मस्जिद से घर तक मस्जिद से घर तक और तक की मीनिंग समझ आ गई क्या कहना चाहता है जी कब समझ आई जब ये मस्जिद और घर के साथ मिले तब हमें समझ आई ठीक है जी ठीके जी तो अब मैं इनकी डेफिनेशन बता देता हूं हम इसमें किस चीज को कहेंगे इसम एक ऐसा कलमा है इसमें एक ऐसा कलिमा है जो किसी शख्स करे ठीक है जी और ये अपना माना खुद बता दे बिना किसी फेल और और किसी इसम या के साथ मिले हुए खुद ही अपना माना जाहिर करे तीसरी बात ये इसमें जमाना कोई इसमें कोई भी जमाना नहीं पाया जाए इसके इसमें टाइम की कोई कनेक्शन ना हो इसके टाइम के साथ कोई लिंकिंग ना हो इसको हम इसम कहेंगे इसके दो बातें कही एक बात ये कि अपना माना खुद देता है दूसरी ये टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसकी इसको हम के कि, जैसे किताबुन मैंने कहा किताबुन उन, किताबुन उन, किताबुन उन, किताब उन की मीनिंग हमें खुद समझ आती है और किताबुन की टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो हम ऐसे कलिमा को इस्म कहेंगे, जिसकी मीनिंग खुद समझ कोई कनेक्शन नहीं है ऐसे कलमा को हम इस्म कहेंगे और फेल में क्या होता है जी फेल भी अपनी मान, अपनी मीनिंग खुद बताता है करने को कहते काम होने को कहते कम काम सहने को कहते ठीक है जी तो फेल में क्या होता है लेकिन एडवांस चीज होती है जो उर्दू और इंग्लिश में हम नहीं पढ़ते वो ये है कि फेल आ, अपनी मीनिंग खुद समझा रहा है बिना किसी के साथ और किसी फेल के साथ या फिर किसी हर्फ के साथ मिले हुए खुद ही अपनी मीनिंग समझा रहा है ले, लेकिन इसमें एडिशन क्या होता है इसमें एक जमाने के साथ किसी टाइम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन लिंकिंग होती है ऐसे क्लेमा को हम फेल करेंगे जैसे मैं कहूं दौराबा उसने मारा उसने मारा ठीक है जी दोबा उसने मारा तो ये खुद अपनी एक मीनिंग देता है दौरा लेकिन मीनिंग देने के साथ साथ ये हमें टाइम भी बता रहा है तो पास में किताबों में मीनिंग तो थी लेकिन टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं थी समझ आ रही है मेरी बात समझ आ रही है मेरी बात यस yes, हाँ जी तो अब तीसरी बात जो हम कर रहे थे वो थी हर्फ हर्फ किस चीज को हम कहेंगे हर्फ हर्फ एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है ऐसा क्लेमा होता है मैं जो खुद अपनी अपनी मीनिंग नहीं देगा जब तक ये किसी इसम और फेर के साथ ना मिले तब तक ये अपनी मीनिंग जाहिर नहीं करेगा अपनी मीनिंग समझेगा, समझाएगा ही नहीं तब तक हमें इसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी दूसरी बात इसमें क्या होती है इसमें टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा जैसे मिन मतलब होता है से फ्रॉम फ्रॉम मैं अगर दिन भर कहूं मिन 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 से 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 क्या समझेंगे आप से 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 जब तक मैं ये ऐसे कहूं स्कूल से स्कूल से मदरसे से मिनल मदरसा थे मदरसे से हाँ तो मदरसा को से कोई काम होने वाला है कुछ होने वाला तब थोड़ी इसकी मीनिंग समझ में आने लगी जब मैं कहूं सिर तो मिनल मदरसा थी मैं मदरसे से आ, अपने घर तक गया मैं मदरसे स्कूल तक चला गया तो अब आपको मीनिंग समझ आई होगी मिन की कि मदरसे से घर तक इलल इलाज इला, इला भी, क्या है जी ये भी एक हर्फ है मिन इला से, पर, इन ऐसे हरूफ की मीनिंग हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक ये किसी इसम या फिर किसी के में तक हम आ, इनकी मीनिंग को नहीं पहचान सकेंगे दूसरी बात क्या होती है हर्फ में हर्फ में दूसरी बात ये होती है कि हरकत में भी टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता तो हम इस मु में इस अरबी में किसको कहेंगे अल कि इस्मु कलमतन تدل على مانن في نفسها यानी उसके अंदर एक माना हो वो अपने माना पे खुद जलालत करे कैसे तरीनिन باحد الاظم من ثلاثته और तीनों जमानों में से कोई एक जमाना इसमें ना पाया जाए किसी जमाने की कैद ना हो इसको हम इस्म कहेंगे और फेल किसको कहेंगे मानन फी है। इसमें भी एक माना खुद ही हो माना पर दलालत खुद कर रहा हो दलालतन लेकिन कैसे माना दलालत कर रहा हो यानी उस जो जिस माना आ, की दलालत कर रहे हैं ना वो किसी जमाने के साथ अटैच माना भी पाया जाए ठीक है जी तो इसको हम अफेल कहेंगे और हर्फ अलहर तदुलफी नफ्सहा सॉरी मेरे कली मतलब ला तदुल ला तदुल अला मानन फी नफ्सहा अपनी आ, मीनिंग खुद ही नहीं देगा फिर कैसे देगा बल बल्तदुल अला मानन फिर ठीक है जी अपनी मान अपना माना कब देगा जब किसी गैर के साथ मिले किसी इस्मे के साथ या फैल के साथ मिले तभी अपनी मीनिंग देगा आपको ये अरबी डेफिनेशन याद रखिए कोई जोक जो के लिए सुनाई हम कैसे इनकी डेफिनेशन बता सकते हैं बोल सकते हैं अब हर्फ है की मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा अरबिक वर्ड आइए आप याद रख लीजिएगा मिन मिन ये हर्फ है एला टू तक ठीक है जी तक एट नेपर फी

मैंने पिया ये क्या है फेल ये नहीं है अब मैं मा, मा, मा पानी इसका नाम है ना पानी का क्या कनेक्शन टाइम के साथ ही नहीं है लेकिन पानी अपना माना खुद ही समझा रहा है समझ में आती है ऐसे में फेल। फेल जो अपनी मीनिंग खुद बता दे लेकिन टाइम के साथ उसकी डायरेक्ट कनेक्शन हो या वो पास्ट में फेल हो रहा हो जैसे आ, मैंने लिखा शरीब तो मैंने पिया मैंने पिया तो मैंने पिया मैंने पास में पिया है अगर मैं लिखूं अगर मैं कहूं पिएगा तो एक फ्यूचर या प्रेजेंट में इसकी कनेक्शन है तो ऐसे इसको हम फेल कहेंगे और हर अपनी मीनिंग भी खुद तब तक इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी जब तक ये किसी इसम या किसी फेल के साथ ना मिले दूसरी बात हर्फ में क्या होती है दूसरी बात यह होती है कि इसमें कोई टाइम अला यानी पर पर ना तो खुद अपनी माना, अपनी मीनिंग समझा रहा है ना फिर इसकी कनेक्शन किसी टाइम के साथ है इला तक तो इसकी भी कोई मीनिंग आएगी जब तक कि किसी इसमें ना मिले कि किसी इस फेल के साथ ना मिले तब तक हमें इसकी कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगी मैंने आपके लिए अभी एक सेंटेंस लिखा था मैं फिर से लिख रहा हूँ मिनल बाईते एलाल मद्रासे थे घर से स्कूल तक घर से मद्रासे तक तो यहाँ पे आपको मिन और इलाकी मीनिंग समझ आएगी अगर मैं बाईत और मद्रासे को काटूं फिर मिन और इलाकी मीनिंग समझ नहीं आएगी आई होप कि आ, आपको ये सब समझ आया होगा जो मैंने कहा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बता दीजिए अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दे अभी हम क्लास को एंड करने वाले भी टाइम हो रहा है इसके बाद आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट होगी इसके बाद इंशाल्लाह किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे हाँ जी जनेद अली रह आपको कोई अस्सलाम कर... सर नो सर वालेकुम सलाम क्लियर है सर माशाल्लाह क्लियर है किसी को कोई कंफ्यूजन है मैं क्लास को एंड कर लूं रईस अहमद रईस अहमद आपको समझ आ रहा है अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम समझ आ रहा है बेटा जी सर माशाल्लाह अतर यस yes, सर आपको समझ आ रहा है यस सर सब कुछ समझ कोई रहा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें माशाल्लाह चलिए फिर अभी आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा मैं क्लास को एंड करने वाला हूँ आप लोग अभी फिर से ज्वाइन कीजिएगा ठीक है ठीक है ना जी जी सर हाँ जी आप लोग अभी बिल्कुल अभी मैं क्लास को अभी क्लोज कर रहा हूँ आप लोग फिर से फिर से ज्वाइन कीजिएगा ओके तो असल वरहमल